इतना बड़ा कि चल जा घर, बाय बाय। बहुत पिटता तुम्हारे से है ना। ध्यान मेरे को लगता है थोड़ी सी उम्मीद की आज मेरा पैर थोड़ा सा स्टेबल है, थोड़ा ठीक होने लगा। कुछ ना कुछ हो जाता है। काफी दिनों से मैं अपने YouTube चैनल पे एक्टिव नहीं थी। आप सबको पता होगा थोड़े दिन पहले जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से मेरे पैर पे चोट लगी थी, और उसके अलावा नेक्स्ट डे जब बाकी जगह चोट लगी थी जैसे बाजू पे और दूसरे नी पे, तो वो सब नील वगैरह पड़ गए थे। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी उस चीज़ से, क्योंकि मेरा पैर था बारिश में भीगने की वजह से वो पैर मेरा पूरा पक गया था और मैं काफ़ी परेशानी हूँ। अप्रॉक्स 1 वीक से ज़्यादा हो गया मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी, कुछ नहीं करा। और उसके बाद बीच बीच में ब्लॉग बना भी रही थी, बट मैंने वो कोई भी ब्लॉग एडिट नहीं करा। क्यों? क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे पाँव में इतना दर्द है, मैं मतलब ज़मीन के ऊपर ऐसे पाँव सीधा रख नहीं पा रही, उसमें पेन हो रहा था। मतलब या मैं ऐसे रख रही थी, बट फाइनली गियर अप होना है, कब तक ऐसे बीमारों की तरह पड़े रहेंगे, है ना। तो आज मैंने फाइनली सोचा कि क्यों ना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो एक और पर्पस मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, एक्चुअली परसों पापा की ना तबीयत खराब हुई थी रात को, तो उसके बाद थोड़ा डिस्टर्ब हो गई। अगले दिन फिर कल सुबह मतलब मैं उनको हॉस्पिटल लेके गई, डॉक्टर वगैरह से टेस्ट वगैरह करवाए सब कुछ। तो कुछ एक टेस्ट आज कल हुए थे, मतलब उनकी रिपोर्ट्स आज मिलनी है, अभी मुझे रिपोर्ट्स लेने जाना है। मैं शेयर करना चाहूँगी मेरा एक्सपीरियंस। उस टाइम पे मैं इतनी पैनिक हो गई थी एक बार को, तो कि क्या हुआ, कुछ नहीं था एक्चुअली। उन्होंने कफ करते हुए ना उनको ब्लड आया, तो हम तो सारे परेशान हो गए। रात का टाइम था कि ये क्या हो गया, क्यों हुआ, है ना। गलत थॉट माइंड में आ रहे थे कि यार क्यों हो रहा है। तो रात पूरी जैसे तैसे निकली, मैंने बोलती रही चलो डॉक्टर पे, बट माने नहीं पापा। सुबह बड़ी मुश्किल से धक्का करके मैं डॉक्टर के पास लेके गई, तो एक्सरे हुआ, उसी टाइम पे रिपोर्ट्स आ गई। एक्सरे में कुछ नहीं आया, सब कुछ नॉर्मल था। तो डॉक्टर्स ने दवाइयाँ लिख दी और बोला कि हो सकता है कि कई बार हम जोर से कफ करते हैं ना, तो हमारा टिश्यू ब्रेक हो जाता है। उसके बाद फिर कुछ एक और टेस्ट लिखे, दवाइयाँ दी। जो दूसरे टेस्ट थे वो खाली पेट मतलब कल हुए, मतलब नेक्स्ट डे हुए। तो आज उनकी रिपोर्ट्स लेनी है, अभी मैं रेडी हो गई हूँ, रिपोर्ट्स लेने जाना है। बट यार मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, उस टाइम मैं पैनिक हो गई थी। पेरेंट्स को ज़रा सा कुछ होता है तो हम कितना परेशान हो जाते हैं, फिर तो जितने भगवान जी है सारे उन्हीं को याद करने लग पड़ते हैं वो सब कुछ। तो थैंक गॉड कि सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बाकी के टेस्ट है वो भी नॉर्मल टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह थे, तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात है नहीं। तो आज से अपना ब्लॉगिंग का कंटिन्यू करते हैं, और अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 11:30 इन द मॉर्निंग। अभी मैं रेडी हो गई हूँ, फर्स्टली रिपोर्ट लेते हैं और आगे का दिन प्रोसीड करते हैं। यहाँ से टेस्ट कराया था पापा का, चलो रिपोर्ट कराते हैं। बटन के नाम से रिपोर्ट होगी, तो फाइनली आएगा उठ द रिपोर्ट, और अब एक बार डॉक्टर को चेक करवा लेते हैं। मैंने खुद देखी है रिपोर्ट ना, मैंने ऑब्जर्व किया है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, नॉर्मल ही होना चाहिए। तो चलते हैं घर, एक बार डॉक्टर के पास ले जाते हैं। हाँ, दो टेस्ट हुए थे, एक की रिपोर्ट अभी मिल गई, एक की रिपोर्ट मिलेगी शाम को, तो शाम को दोबारा आना पड़ेगा। रिपोर्ट्स वगैरह घर पर रख दी है, मम्मी बोल रही कि शाम को दूसरी रिपोर्ट ले आइए, और डॉक्टर को जिसको दिखाना है फिर एक साथ दोनों रिपोर्ट्स ही दिखाएंगे। बाकी अभी मैं जा रही हूँ राखियाँ लेने, मामोरी को कुरियर करवानी है क्योंकि हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो और मैं भी इधर जो भाई वगैरह उनके लिए ले लेती हूँ। अमन तो यहाँ आया नहीं, बट आपको पता ही है धीरज हो गए, शिवम, आरव, शिवांश, मतलब लास्ट टाइम आपने ब्लॉग्स देखे होंगे। तो एनीवेज चलते हैं फटाफट राखी वगैरह खरीदते हैं, रक्षाबंधन आ रहा है एक दो दिन बाद, तो आज थोड़ा टाइम है, मैं जल्दी रेडी हो गई हूँ तो ले आते हैं। उसके बाद फिर अकेडमी भी जाना है। ये ले ली वो दो उधर, इसमें से ले ली तीन पैकेट, इसमें से तीन इसमें से, बाकी है तो बच्चों वाली अंदर है। चल अंदर लोगों के लिए देख लेते हैं। चल ये कौन सा एक टॉय वो है, कैप्टन अमेरिका। और ये कौन सा, पबजी? हाँ, डिब्बू के लिए पबजी वाली ठीक रहेगी, क्योंकि बच्चों को इन चीजों का शौक होता है ना। ये ठीक है, और इसके अलावा भी है कोई और? ये कहाँ, कैरम क्या खेलेगा वो, ये ले लेते, मुझे अच्छी रहेगी उसको, इसके पीछे लिख दूंगी मैं फॉर डिब्बू। ये मेरा एक भतीजा है डिब्बू, उसके लिए तो मैंने इस पर लिख भी दिया कि फॉर माई डिब्बू लॉट्स ऑफ लव। ये डाले इसमें कुरियर करा देते हैं, यहीं पे है कुरियर सर्विस। अंकल कुरियर हो जाएगा, स्पीड पोस्ट हो जाएगा ना? हो जाएगा। ये करवा दें, देखना कितना वेट है, कब तक मिल जाएगी यार? हिमाचल धर्मशाला, हाँ जी मिल जाएगी सोमवार मंगलवार, ठीक है आप कर दो। एड्रेस देख रहे, कह रहे एड्रेस ही इतना बड़ा का बड़ा ही है, अब क्या कर सकते, पूरा आगे का भर गया एनवेलप। ठीक है अंकल, Later that same evening. कहाँ है, कहाँ तू इतने दिन से, कहाँ है, मेरे को चोट लगी है, तू आ रहा है देखने की, दीदी को पूछ के आऊँ,
अभी मैंने देखा है तेरे को और वाल गई तो तू आया, तू खुद आता है, तेरा कोई फर्ज नहीं है। खा कसम बोल, क्या काम था, काम बोल, ऐसे तो तू नहीं आता, क्या कर रहा है, मूरा मुंह वाइट कर रखा है, पानी ये वाइट वाइट कण पानी के। आज आंटी से पूछवा दूं, विश्वास हो रहा, आजा हाथ ना लगाएगा मुंह पे, अगर बोला ना कुछ खाया हुआ तो वहीं चपेट आएगी, देख मुंह कर रहा है आंटी, इसका मुंह देख के जाना इसने कुछ खाया हुआ ना, एक बार चेक करो, सारे मुंह पे कुछ लगा हुआ देखो इसके, है ना, पानी पिया, पानी पानी के कण है, ये जो पागल बनाता है बड़ों का, तू झूठ बनाता है ना, जब तू फुद्दू बनाता सामने वाले का, मुझे बहुत गुस्सा आता है, वहां क्यों रहता, काम बोल क्या, ऐसी क्या, दो मिनट रुकी होगी तो अच्छी बुला रही है, मैं जाकर आती हूँ, फिर एक कहीं जाने बाजार, आज काम है थोड़े, पापा की दूसरी रिपोर्ट आ गई है, कलेक्ट कर लेते हैं रमेश के नाम से, ठीक है, थैंक यू। सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट हो गई है पापा की, और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है, एंड आई वुड लाइक टू थैंक अ बिग थैंक्स टू गॉड कि सब कुछ ठीक है, भगवान जी की दया से। बाकी अभी मैं धीरज को लेकर जा रही हूँ मार्केट, तो मैं आपको बता देती हूँ आज की शाम आरव के नाम, कल आरव का बर्थडे है, तो मैं उसके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ, तो सुबह सुबह फर्स्ट सरप्राइज़ मैं ये देने वाली हूँ कि कल सुबह मैं उसके घर 6 बजे जाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा केक लेके चल जाती, तो केक लेने आई हूँ, और वैसे तो ये ब्लॉग देख के उसको पता लग जाएगा, बट ये ब्लॉग आएगा ही कल दिन में, तो मतलब जब हम केक को कट करवा चुके हैं उसके बाद ही आएगा, तो फटाफट केक ले लेते हैं और बढ़िया सा नाम दिखवाते हैं उसके केक पे। चॉकलेट फ्लेवर कौन सा है कि ये, और ये चॉकलेट ही है ना, ये चॉकलेट, और वो वाला वो प्लेन चॉकलेट है, ये ले लूँ, ठीक लग रहा है देखने में, यस मस्त है, ये कर दो भैया आप, ये इधर से इसकी फिनिशिंग खराब हुई है, वो मैं ठीक करा, हाँ ये ठीक करवा दो, लिख दो इस पे लड़ाकू हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दो, लड़ाकू ही है वो ना, लड़ाकू ठीक जाएगा ना धीरे, तो उस पर लड़ाकू लिखवा लिया, बट अभी ये भी पसंद आ रहा है, ये देख लो भैया ये हो जाए, उसका क्या करोगे फिर जो लिख दिया, ठीक है आप ये करवा दो फिर, इस पर लिखा जाएगा ना, हाँ ये कर दो डन सर, तो कुछ ऐसा दिख रहा है केक, एलईडी केक, लड़ाकू है ही, लड़ाकू लड़ते ही रहता है मेरे से, तो फिर यही बनता था, लगा दो टैग और पैक कर दो भैया इसे, आरव के लिए गिफ्ट भी लिया, गिफ्ट हो गया, मैं कभी रिवील नहीं करूँगी क्या है, क्योंकि वो दिन में ब्लॉग देख लेगा, तो कुछ ना कुछ प्लान आउट करके उसके ब्लॉग देखने से पहले ही उसको गिफ्ट देना भी है, तो ये गिफ्ट क्या है इतना बड़ा गिफ्ट, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा, अभी ये सारा सामान लेके चलते हैं घर। त्यौहार के दिनों में भी ट्रैफिक देखो, एक तो बाइक्स वगैरह लोग बीच में ही लगा जाते हैं, ऊपर से ये ट्राली क्या बोलते हैं इसको, टेम्पो से आ गए, ये निकलने की जगह है नहीं है, पिछले 10 मिनट से हम इसी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, पीछे काफी ट्रैफिक लग गया, अब निकल गया शहर से, देखते हैं चलते हैं हम भी फिर। खड़ा हो यहाँ क्यों लेटा है, अपने घर जा, क्या ऐसी, ओ भाई अपने घर जाओ, रात हो गई है, ओ तेरा यहाँ क्यों लेटा है, मम्मी को बोला कौन सोफा गंदा कर रहा है, तकिए पे गंदा पसीना लगा रहा है, बोलू क्या कर, क्या चाहिए तेरे को, खड़ा हो यहाँ से जा अपने घर, बैट चाहिए, तेरा हर थोड़े दिन के बाद बैट चाहिए, हमारे पे नहीं है बैट, बुट बैट क्या बैट है, तेरा भी बैठे तेरे को बैट, तू निकल यहाँ से, मैंने तो नहीं बोला, तो साहिल ने भी था फोन का, वही चीजें रिपीट मत कर, व्लॉग वाले परेशान हो जाएंगे, एक ही बार थोड़े थोड़े दिन बाद इसी सोफे में बैठ गया, धीरज वही बात बोल देता है, तेरे चक्कर में ना मेरा पाँव फिर मुड़ गया, देखो वो ना अभी नीचे इसको बुला रही थी मैं, वो पूरा पाँव ट्विस्ट हो गया मेरा इसके चक्कर में, सिर्फ इसके चक्कर, पाउडर लगाया वो तो डॉक्टर ने दिया था पाउडर, क्या तेरी वैसे लगी थी मेरे चोट उस दिन, पता तुझे ये क्या क्या, बस मेरे दोस्त तेरी एक्टिंग करके दिखा रहे थे, कह रहे धीरे जैसे कह रहा था, बस बस करो फोन में लगे होंगे पता है मुझे, कैसे कर रहा था, करियो ऐसी कर रहे थे तेरी एक्टिंग सारे मेरे दोस्त, सब पता है, क्या क्या सब पता है तुझे, बोलिए जरा क्या सब पता है, क्या पता है, कैसे लगी, कैसे नहीं लगी बता जरा, पुत्तू था मैं, ये क्या कर रहा, बस ज्यादा बकवास करता ना किसी दिन बहुत पिटेगा मेरे से, तेरे पापा की नौकर नहीं लगी, मैं बैट दिलवाऊ, अच्छा राखी आ रही, तू क्या दे रहा दीदी को, दो अंडे, अंडे तो मैं खा लूंगी ऑमलेट बना के, पर उसके जब तेरा वो आएगा ना बर्थडे, तो मैं पता क्या दूंगी, दो मेलेडी की टॉफी बस, ठीक है फिर, अब बैट क्यों मीन लग रहा, अब नहीं हो रही हो तो तुम, चल जा घर, बाय बाय, बहुत पिटता है तू मेरे से, है ना भैया, जैसे भी है भाई अपना, आए हाय स्वेटिंग कर रही, छी छी, तो कल के लिए ऑल सेट, टाइम हो रहा है 8 o'clock इन द इवनिंग, मतलब रात के 8 बज रहे हैं इस टाइम पे, और जस्ट डिनर करके अब तो मैं सोऊंगी, अभी मेरा पैर ना नीचे मुड़ गया, उसमें फिर से दर्द होने लगा था, जहाँ मेरे को लगता है थोड़ी सी उम्मीद की आज मेरा पैर थोड़ा सा स्टेबल है, थोड़ा ठीक होने लगा, कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन कल क्या हुआ था, मैं कहीं बाहर थी, आई वॉज ईटिंग नूडल्स, जो फॉग था मान लो ये मेरी चोट है उसके ऊपर ऐसे उल्टा होकर ऐसे गिरा,
तो मेरी एक सेकंड के लिए तो जान ही निकल गई कि क्या हो रहा है, बट क्या कर सकते हो। और आज अब जो पैर नीचे है मेरा ट्विस्ट हुआ है, उस ट्विस्ट होने की वजह से उसमें दर्द हो रहा है। क्या कह रहा है, ऐसे कर रहा धीरे, सच में अब दर्द हो रहा है तो हो रहा है इस टाइम। एनीवेज पता नहीं कितने दिन लगेंगे अब इसको ठीक होने में। आर का कल के लिए ऑल सेट, सुबह 6 बजे उठ के जाना है, उसके लिए मुझे रात को जल्दी सोना पड़ेगा वरना सुबह मुझे उठा नहीं जाएगा। तो आई थिंक मैं इस ब्लॉग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना, एंड इफ यू आर न्यू टू माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं न्यू वीडियो लेकर आऊँ यू गॉट द नोटिफिकेशन। तो चलिए कल मिलते हैं नए दिन और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।